तो चलिए आज हम बनाते हैं टमाटरों वाला चावल। बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े का बनता है और टेस्ट इसका इतना बेहतरीन होता है ना फ्रेंड्स कि आप इसको हमेशा बना कर खाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, चावल को मैंने यहाँ पे 2 डब्बा चावल लिया था, इसको ऐसे धुल के वॉश कर लिया, अच्छे से भिंगा कर रख लिया है। और यहाँ 2 से 3 टमाटर लेंगे, टमाटर जितना डालेंगे उतना अच्छा ये बनेगा। तो मैं यहाँ पे 3 बड़े टमाटर को डालूँगी इसमें। और इस तरह से हम टमाटर ले लेंगे और 2 आलूओं को मैंने इस तरह से काट लिया है और 1 प्याज ले लिया है। तो 1 प्याज ले लेंगे और इस तरह से आलूओं को हम कट करके रख लेंगे। ये सारी तैयारी हमें पहले करके रख लेनी है, उसके बाद से आप जो भी वेजेस डालना चाहते हैं डालें। लेकिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सोयाबीन की बढ़िया, ये देखिए सोयाबीन को अच्छे से पानी में सोख करके मैंने यहाँ पर रख लिया है। तो यहाँ पर कुछ मसाले ले लेंगे, तो लौंग ले लेंगे, तो यहाँ देखिए 3 से 4 लौंग, 1 फूल ले लेंगे और दालचीनी ले लेंगे, बड़ी इलायची ले लेंगे, 3 छोटी इलायची ले लेंगे, ज़ीरा ले लेंगे साबुत, और ये देखिए ये पत्ते ले लेंगे तेज पत्ते, और ये जावित्री ले लेंगे, गोल मिर्च ले लेंगे। तो चलिए ये सारे मसाले ले लेंगे हम, और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे 2 चम्मच के करीब, और ये कुछ सूखे मसाले ले लेंगे और हरी मिर्चियाँ ले लेंगे। ये देखिए हरी मिर्चियाँ ले ली है मैंने 5 से 6, और ले लेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, और ये ले लेंगे हम चाट मसाला पाउडर। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं। तो कुकर में बनाएंगे हम, कुकर में ऑयल गरम कर लेंगे और इस ऑयल में हम डालेंगे 2 सूखे लाल मिर्च। इससे जो फ्लेवर होता है आप डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा हो जाता है। और सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे, फ्राई कर लेंगे मसालों को। प्याज डालेंगे 1 काट के, प्याज को भी हल्का गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे सोयाबीन को, क्योंकि सोयाबीन में कच्चापन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा इसमें एक स्मेल होता है, वो निकल जाएगा फ्राई करने से। उसके बाद से सोयाबीन को फ्राई करने के बाद से हम इसमें आलूओं को डालकर फ्राई करेंगे। तो 2 मिनट के लिए आलूओं को भी हम फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्चियाँ ऐड करेंगे और अब डालेंगे इसमें ढेर सारा टमाटर। तो ये देखिए टमाटरों को बिल्कुल इस तरह से कट करके इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी साथ के साथ भून लेंगे। और अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इनको भी अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और अब हम सारे सूखे मसाले को ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे चावल, बिल्कुल मसालों को अच्छे से भूनने के बाद 5 से 10 मिनट अच्छे से भूनने के बाद चावलों को ऐड कर देंगे। चावलों को भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी, तो चावल के अंदाजे से आप पानी ऐड कर लें। अब इसको ढक्कन लगाकर हम छोड़ देंगे और इसका जो पानी है वो सुखा लेंगे। तो यहाँ देखिए पानी सूख गया है। अब इसमें हम प्रेशर लगाएंगे, कुकर के ढक्कन को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसमें अच्छे से प्रेशर लगाएंगे, 1 से 2 सीटियां तक गला लेंगे। चावल और सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी जब आप उसका पानी जब सूख जाए, थोड़ा बहुत पानी नीचे रह जाए, उसके बाद इसको आप ढककर प्रेशर लगा दीजिए 1 से 2 सीटी में। देखिए बिल्कुल बेहतरीन सा हमारा टमाटर वाले चावल बनकर रेडी हैं। गर्मा गर्म इसको सर्व करिए, ऊपर से धनिया पत्ती डालिए और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है फ्रेंड। एक बार आप इस तरीके से बनाकर देखिए, गर्मा गर्म सर्व करिए, बहुत ही बेहतरीन डिलीशियस सी रेसिपी है ये, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप बनाइए, घर पे सबको खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए। अपने घर में जब कुछ अलग, कुछ हटके खाने का, इंस्टेंट खाने का मन हो तो फटाफट से आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।